लोगों की सोच और महिला की पहचान, जिस महिला के दांत बड़े हो उसके रास्ते में कांटे भी अधिक होते हैं, जिस महिला के बाल रुखे हो उसका भाग्य भी बहुत रुखा रुखा सा होता है, खुशी कम और दुख अधिक होता है, जिस महिला की जुबान ज्यादा लाल रंग की हो उसके भाग्य में बेतहाशा दौलत आती है, जिस महिला के पाँव का रंग ज्यादा सांवला उस महिला के भाग्य में वफा कभी नहीं आती है, जिस महिला का सर छोटा हो उसका दिमाग बड़ा होता है, जिस महिला की एरिया फटी हुई हो उसके भाग्य में बहुत कठिन रास्ते आते हैं, जिस महिला के हाथ कठोर हो वह धैर्य वाली होती है, उसकी जिंदगी में परेशानियां और दुख दर्द होती है, जिस महिला के दांत पीले हो ऐसी महिला बुरी और घर को खराब कर देने वाली होती है, जो महिला हर समय नाखून चबाती रहती है उसके भाग्य में खुशी का क्षण बहुत ही कम आता है, वह महिला अभिशाप की मारी है जो हर समय फिजूल बोलते रहे और आलस की मारी हो, वह महिला गलीज है जो घर की सफाई न रखे और अपनी सफाई हर समय रखती हो, जिस महिला की होंठ पतली होती है बदतमीज होती है, जिस महिला की कलाई मोटी हो उसकी अकल मोटी होती है, जिस महिला की पलके घनी हो वह नरम दिल होती है, जिस महिला की कमर पतली हो वह दिमाग की ढीली होती है, जिस महिला की नाक लंबी हो उसका दिमाग पूर्णता होता है, जिस महिला की कान मोटी हो उसका भाग्य छोटा होता है, जिस महिला के हाथ मोटे हो उसका भाग्य बड़ा होता है, जो लोग दुबले पतले हो और मोटा होना चाहते हो वो सुबह के समय दूध में रोटी डुबोकर खाए कुछ दिनों में मोटे हो जाएंगे, अगर आपको अच्छा पानी का स्वाद भी करवा लगे तो यह जादू होने की निशानी है, अगर होठों को गुलाबी करना है तो रोजाना वेज ले और नमक मिलाकर होठों पर लगाओ, होंठ गुलाबी हो जाएंगे, बच्चों की लंबाई छोटी हो तो माँ को चाहिए कि रोजाना साबूदाना ऊंटनी के दूध में बनाकर खिलाएं, मनुष्य का दिमाग इन चीजों से सुरक्षित रहता है, मीट और शहद खाने से, चिड़िया का झूठा खाना खाने से कभी कैंसर नहीं होता, बिस्तर के साथ नमकीन पानी भरकर रख दो पूरी रात, मच्छर निकट नहीं आएगी, माल्टे ज्यादा खाया करो, यह दांतों की सफाई के लिए महत्वपूर्ण होता है, अगर बच्चा जन्म हो और उसका रंग काला हो तो उसको गाय का दूध पिलाओ, रंग सफेद हो जाएगा, अगर चेहरे का रंग खराब होने लगे तो नींबू का रस लगाकर सो जाओ, कुछ दिनों में चेहरे से सफेद और चमकदार नजर आएंगे, दही दिमाग के लिए बहुत उपयोगी है, सोने और समझने की क्षमता में बढ़ोतरी करता है।